मैंने इस वीडियो से पहले आरम गोस्वामी के साथ जो अटैक हुआ और उसके ऊपर उनका क्या विश्लेषण था, उन्होंने खुद वीडियो रिकॉर्ड करके जो डाली सोशल मीडिया पे, वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब मैं कुछ डाटा के साथ आपके सामने आया हूँ। जाहिर सी बात है, सब कुछ उन्होंने बता दिया था कि कब क्या कैसे हुआ, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जो दो लोग थे जिन्होंने अटैक किया अर्नब गोस्वामी पे, उन दोनों के पास लॉकडाउन का पास भी मौजूद था। मतलब बाकायदा पास लेके वो निकले थे और उन्होंने जो अटैक किया उसके लिए मुझे लगता है कि उनके हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा व्यवस्था बनाई गई होगी, वरना पास मिल जाना इतना आसान भी नहीं था। अगर आपको ज़रूरी काम नहीं बताते तो कैसे मिलेगा आपको? तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, हायर अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं। महाराष्ट्र सरकार जांच नहीं करेगी क्योंकि सरकार में समर्थन कांग्रेस का है, तो शायद पुलिस भी आनाकानी करे, तो सेंटर को थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए। कौन कौन लोग अपना क्या क्या रंग दिखा रहे हैं, कौन कौन किस तरीके से स्टैंड ले रहा है, और अब डेमोक्रेसी और जर्नलिज्म या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ, ये सब अब खतरे में नहीं है। मेरा सवाल हर बार की तरह यही है, मैंने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग एक बार पूछा है कि वो डेमोक्रेसी को बचाने वाले लोग, चौथे स्तंभ को बचाने वाले लोग, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाने वाले लोग कहाँ हैं, जो जब रवीश कुमार के साथ होता है या किसी उनके एजेंडा सेट करने वाले लोगों के साथ जब कुछ भी क्वेश्चन कर दिया जाता है तो तुरंत डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में पड़ जाती है। लेकिन अर्नब के साथ हुआ तो यही लोग मुँह छुपा के बैठे, तो इनका डबल स्टैंडर्ड सामने ले आता है। इन्होंने डबल स्टैंडर्ड इससे पहले भी दिखाया, जब साधुओं पे हमला हुआ, उनकी मृत्यु हुई, दरिंदगी से मारा गया, तो ये लोग सब शांत हैं। उनमें से कुछ लोग ये शेयर करने में, ये पोस्ट करने में लगे हुए हैं कि देखो जो न्यूज़ थी कि एक भी मुसलमान नहीं पकड़ा गया 101 लोगों में से, तो ये काफ़ी वो बात है, बड़ी बात है, मुसलमान नहीं इन्वॉल्व था, तो इसके लिए बहुत ये लोग खुश हैं। और यही लोग तब शांत हो जाते हैं जब मुसलमान पकड़े जाते हैं। तो अगर तुम ये दिखाने के लिए रेडी हो कि मुसलमान नहीं पकड़ा गया, ये बड़ी बात है, तो तुम तब भी दिखाओ, ये न्यूज़ को शेयर करो कि मुसलमान पकड़ा गया। आपको मैं ट्वीट राइट में दिखा देता हूँ किसने क्या क्या कहा, कैसी कैसी अभद्र चीज़ों का दिखाया, और क्या क्या ऐसा ट्वीट करके अपनी मानसिकता एक्सपोज करके उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो इस अटैक के समर्थन में है। उन्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लगा, वो थोड़ा भी कंडेम नहीं करते, उन्हें थोड़ा भी आश्चर्य नहीं है, उल्टा अलका लंबा, रात के 3 बजे का उनका ट्वीट है, वो युवा कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं ट्विटर पे जब ये घटना हुई। और अर्नब गोस्वामी द्वारा क्लेम भी यही किया जा रहा है कि युवा कांग्रेस वर्कर्स ने ये किया है। तो मतलब या तो पार्टी के इस लेवल की अथॉरिटी जो भी हैं, ये लोग जो भी हायरार्की होती है, उस हद तक अगर किसी को पता था कि ये युवा कांग्रेस द्वारा होने वाला है, इसका मतलब है कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं सीधा सीधा। अगर वो जाँच होती है, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जाँच करती ढंग से, तो पता चल जाएगा। तो मैं नहीं कह रहा सीबीआई जाँच हो, लेकिन ये अटैक छोटी बात भी नहीं थी। कोई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर पे किसी बात का आरोप लगाता है, आप लीगल एक्शन जितने ले सकते हैं लीजिए, लेकिन अगर आप उसकी जान पे बना ऐसा कुछ करते हैं, तो ये डेमोक्रेसी या हर तरह की चीज़ के सीधा सीधा अगेंस्ट, इसके लिए इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं अर्नब के कुछ फेवर में कहना चाहता हूँ, अगर किसी के साथ भी होता है कि आप जो लीगल एक्शन लिए बिना सीधा मारपीट पे उतर आए, किसी की जान लेने के लिए कोई अटैक करवा दें, तो ये गलत है, हर केस में गलत है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि अखिलेश सिंह क्या कहते हैं कांग्रेस के, कि गोस्वामी और गोपात्रा का मुख में काले पाक, मतलब अजीब अजीब तरीके की कविताएं लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पॉज करके सबको पढ़ लीजिए। और ये कांग्रेस समर्थक हैं, इन्होंने भी कुछ लिखा है, आप ये भी पढ़ सकते हैं, मैं भी फिलहाल अपने फ़ोन में पढ़ रहा हूँ। फिर अशोक गहलोत, मतलब बड़े बड़े लोग सीधा सीधा डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं और ताना मार रहे हैं। तो अभी मनीष तिवारी को सब जानते हैं। खैर, ऐसा नहीं कि अर्नब गोस्वामी के समर्थक नहीं, उन्होंने खुद अपनी वीडियो में कह दिया कि मेरे साथ पूरा भारत है। अब पूरे भारत में ये कुछ गंदे लोग भी आते हैं, तो उनको नहीं काउंट करते हैं। तो उन्होंने कहा राजीव चंद्रशेखर से, वो डायरेक्टर रह चुके हैं रिपब्लिक टीवी के, तो उन्होंने कहा कि सिंस यू आर द ओनर ऑफ रिपब्लिक, डू यू कंडोन दिस और वुड यू टेक अ पोजिशन, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड माई फ्रेंड, एक तरीके से सॉफ्ट धमकी देने की कोशिश की। तो उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, आप देख सकते हैं साइड में, कि अर्नब ओन्स रिपब्लिक, आई एंड ऑल इंडियन स्टैंड बाय हिज राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस हिज व्यूज, इफ़ यू थिंक ही हैज़ वायलेटेड लॉज देन यू नो व्हाट टू डू। जहर से बात है, मैंने भी पहले कहा कि आप कानून का हर हथकंडा अपना सकते हैं, वो लीगल तरीका है, कोर्ट डिसाइड करेगा क्या करना है, लेकिन आप ये हरकत आपकी गलत थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम विद दीज थ्रेट्स ऑफ गोइंग अराउंड एंड कमिंग अराउंड, स्टे होम स्टे सेफ। तो इन्होंने भी थोड़ा सा टॉन्ट मार दिया। खैर, दूसरा फिर मधुर भंडारकर का ट्वीट आता है, स्ट्रॉन्गली कंडेम अटैक ऑन रिपब्लिक चीफ अर्नब गोस्वामी।
तमाम, फिर अशोक पंडित का आता है, आप देख सकते हैं साइड में अनुपम खेर का आता है, बबीता पोगट का आता है। तो अगर अर्नब गोस्वामी किसी ऐसे समाज के लिए खड़ा भी होता है तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर आप हिंदुओं के लिए खड़े होते हैं हिंदुओं के देश में, मैं हिंदुओं का देश बार बार इसलिए कहता हूँ, इसलिए मेंशन करता हूँ, क्योंकि किसी को बुरा मानना है मान ले, लेकिन किसी दिल के किसी दिमाग के किसी कोने तक वो ये जानता है इस्लाम क्रिश्चियनिटी कुछ ऐसे रिलीजन से जो बाहर के आए थे, सब यहीं से नहीं पनपे थे, सबका जन्म यहीं से नहीं हुआ था। तो हिंदुओं के देश में हिंदुओं का पक्ष लेना अगर कोई क्राइम है तो फिर ये क्राइम मैं भी करता हूँ, जो करना है कर लो भाई। और अगर उस आदमी को, उस पत्रकार को अर्नब गोस्वामी के साथ हिंदुओं का पक्ष लेने के लिए, साधुओं के लिए बोलने के लिए अगर ये अटैक हुआ है, तब तो जनता को समझना पड़ेगा कि अगली बारी किसकी होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ इन सब चीज़ों को अगर यहीं नहीं रोका गया तो एक शुरुआत भी हो सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आपने न्यूज़ पहले पढ़ी होगी कि नहीं, उस पर बहुत विवाद नहीं हुआ था खैर, क्योंकि पुष्पेन जी पूरा मेन स्ट्रीम में आजकल गायब ही हैं, तो पेपर में हल्का सा छोटा सा कॉलम निकला था कि उनको भी थ्रेट व्रेट आई थी कुछ, उनके परिवार को मारने वाने का कुछ ऐसा था, तो उनको भी प्रोटेक्शन मिली थी सरकार की तरफ से आई थिंक। तो वो भी एक पत्रकार ही हैं और ये भी पत्रकार ही हैं। तो अगर कोई भारत के लिए, भारत के समाज के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है, उसको थ्रेट्स आने लग जाती हैं, तो बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे देश में रह के हम ही को थ्रेट आ रही है, हम ही लोगों में से किसी के बीच में, जस्ट बिकॉज उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है। बाकी जनता समझदार है, मैं नहीं चाहता कि जनता इन सब चीज़ों के चक्कर में मौलाना साद का प्रेशर जो सरकार पर बना रही थी वो रोक दे, दोनों साधुओं के साथ जो हुआ उसका जो प्रेशर बना रही थी सरकार पर वो रोक दे, और अगर अर्नब के लिए अगर प्रेशर बनाना है तो ज़रूर बनाओ, लेकिन कोई बचे हुए जो बाकी जो पीछे के जो मैंने बताए थे उसका प्रेशर बनाना ना कम करे जनता तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ऐसे करते करते मुद्दे पे मुद्दा चढ़ता जाएगा और मेन जो खतरे हैं हमारे देश में उसके ऊपर कवर अप हो जाएगा। खैर फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।